लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेनी है तो उत्साहित दिखे मतदाता। सुबह के 6 बजे से ही काटेकुंड के तमाम बूथों पर मतदान करने हेतु कतारबद्ध दिखे मतदाता। काटेकुंड के शिवतल्ला स्थित आदर्श मध्य विद्यालय के बूथ संख्या 29 में दुमका सांसद नलीन सोरेन ने अपना पहला मतदान देकर किया वोटिंग की शुरुआत। शिकारीपाड़ा विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी आलोक कुमार सोरेन बूथ संख्या 29 में अपने पिता सांसद नलीन सोरेन, माता जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बिस्रा, धर्मपत्नी राजलक्ष्मी मिश्रा, चाचा जॉन सोरेन, परवीर सोरेन, बहन एंजल मिली, संघ सह परिवार मतदान किया। सांसद नलीन सोरेन ने मतदाताओं से क्षेत्र के विकास हेतु शांतिपूर्ण माहौल में मतदान करने की अपील की। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बिस्रा ने कहा कि मतदान करने आए मतदाताओं की उत्साह हमारी भारी बहुमत से जीत सुनिश्चित कर रही है। प्रत्याशी आलोक कुमार सोरेन ने कहा कि झारखंड के लोगों का झामुमो सरकार पर विश्वास अटूट है, जनता का प्यार और भरोसा हमारे साथ है और हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील की। वहीं सांसद प्रतिनिधि जॉन सोरेन मतदान कर नहीं तो कतारबद्ध दिखे। बता दें कि 1 बजे तक काटेकुंड प्रखंड में 56% मतदान हो चुका था। वहीं 3 बजे तक मतदान प्रतिशत बढ़कर 69.64% हुआ। प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे किरचो बूथ संख्या 2 में भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया। वहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्र आस्था जोड़ा, आदिवासी बहुल क्षेत्र करणपुरा के साथ तेलियाचक, दलदली, आमगाछी, कठालडी व अन्य सभी बूथों पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया। गर्भवती महिलाओं, वृद्धा, दिव्यांग व अन्य जरूरतमंदों के लिए बूथों पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई। खबर लिखे जाने तक प्रखंड के सभी बूथों पर पुलिस जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा था। वहीं मौके पर पत्रकार के सवालों के जवाब देते सांसद व विधानसभा प्रत्याशी श्री सोरेन ने क्या कहा, सुने। इसको भी कहेंगे परंपरा हमें निभाते रहेंगे। क्या लगता है जनता ने किन मुद्दों को वोट देना शुरू किया है? विकास के मुद्दे पर और इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, इसी मुद्दे पर देखा। सरकार को लेकर क्या भरोसा है? आपकी सरकार है, बिल्कुल हमारी सरकार रहेगी, अभी भी रहेगी, है भी पर अभी भी रहेगी। ऐसी क्या वजह है जिससे आप लोग को, जो इंडिया गठबंधन के लोग, पूरा भरोसा है कि ये सरकार दोबारा आ रही है? पूरा भरोसा जनता का रुझान जो है और उन लोगों का, जैसे कि जो जो योजनाएं माननीय हेमंत सोरेन ने या उनके जो कैबिनेट के जितने भी सदस्य हैं, उन लोगों ने इस क्षेत्र का विकास के लिए जो जो चीज सोची, इसी सोच के आधार पर चुनाव होगा और फिर से बनेगा यहाँ पर। अच्छा, इसके पहले भी आपके पिता जो अभी दुमका के सांसद बने हुए हैं या सांसद बन चुके हैं, उन्होंने शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कम से कम 7वीं बार जीत हासिल किया, क्या इस बार आप आठवीं जीत को लेकर आश्वस्त हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ से फिर से जीत रही है, जैसे कि मैंने कहा, और यहां से पूरे झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन रही है इंडिया गठबंधन के साथ। मतदाता से क्या अपील करेंगे? मतदाता से यही अपील करूंगा, सब अपना अपना अधिकार का प्रयोग करें, सबको वोट देने दें। धन्यवाद।